एलएन पी रिन्यूएबल सिस्टम पे सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 14 के बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 टू 13 मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 टू 23 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसके अंदर जाके मिस्टर पाल को आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन में हमारा हम लोग बहुत सारा जगह में अब्रीवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म्स ओके रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ओके रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज एंड अब्रीवेशन रिलेटेड टू नोडल एजेंसीज गवर्निंग एजेंसीज बहुत सारा जगह में यूज करेगा। अगर वो रेफर करने का टाइम कोई डाउट आ रहा है तो आप हर एक वीडियो में हम लोग अब्रीवेशन का क्लैरिटी दे चुका हूँ, ये वीडियो को रेफर करके आप क्लैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, आज क्या क्या चीज हमारा ये पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। What are the challenges and strategies? Okay, electrical motor research and development area में हम लोग फेस करने वाले चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, कौन सा मोटर हम लोग टू व्हीलर एप्लीकेशन थ्री व्हीलर एप्लीकेशन के लिए यूज करवा रहे हैं, पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल के लिए कौन सा मोटर यूज करवा रहे हैं। अगर हम लोग अलग अलग डिफरेंट व्हीकल सेगमेंट्स के लिए बैटरी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, कैसे हम लोग थर्मल मैनेजमेंट ई मोटर्स में करवा रहे हैं, ओके अगर क्वेश्चन सेंसर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ओके एंड व्हाट आर द डिफरेंट सेंसर्स, ओके एंड सेंसिंग टेक्निक्स हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करवा रहे बोल के आज हम लोग देखेगा। सो इलेक्ट्रिक मोटर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में देखिएगा तो वी हैव सो मेनी चैलेंजेस, मतलब कॉस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है, फिर उसके बाद पैकेजिंग एंड एडवांस मटेरियल है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए उसके हिसाब से हमको पैकिंग बराबर करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम एंड मास रिडक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको ऑपरेटिंग स्पीड हाई में होने का, ठीक है, लैमिनेशन का है ना, बिकॉज ऑफ लैमिनेशन लो लॉस है ना, लो लॉस लैमिनेशन हमको बनाना पड़ेगा। थर्मल मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट है, रिलायबिलिटी एंड एफिशियंसी मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑपरेटिंग पॉइंट है। ओके, स्ट्रैटेजीज के बारे में आप देखिएगा तो नॉन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मोटर्स, ओके वो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी क्योंकि वो क्या करेगा, कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा, परफॉर्मेंस को मेंटेन करेगा। नॉन परमानेंट मैग्नेट मोटर्स है तो वो कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। मैग्नेटिक मटीरियल्स ओके उसका उससे हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस से हमको वो कंजर्व मैग्नेटिक मटेरियल हाई परफॉर्मेंस टेम्परेचर में काम करने का टाइप हमको चूज करना पड़ेगा। इनोवेटिव मटेरियल्स मैन्युफैक्चरेबिलिटी ये सब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया स्पेशली इलेक्ट्रिकल मोटर्स का चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर एप्लीकेशन के बारे में देखेगा तो बहुत सारा जगह में हम लोग फॉर टू व्हीलर एप्लीकेशन ब्रशलेस डीसी मोटर परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में दो अलग वेराइटी से एक हाफ मोटर है दूसरे तो मिड रेंज मोटर है। लगभग फ्रॉम 250 वाट्स टू 30 किलोवाट ओके हमको जरूरत है ये टू व्हीलर्स को स्पेशली ऑपरेट करने के लिए। इसमें मोस्ट सुटेबल है ब्रशलेस डीसी मोटर है। सेम इन थ्री व्हीलर एप्लीकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रशलेस डीसी मोटर भी मोस्ट सुटेबल है, इंडक्शन मोटर भी मोस्ट सुटेबल है। इन सर्टेन प्लेसेस सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर आल्सो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका पावर रेंज आप देखेंगे तो 3 किलोवाट से 15 किलोवाट है। ठीक है, पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो हम लोग पावर मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यूज कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर यूज कर सकते हैं, बट पावर मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बहुत सुटेबल है क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल्स में भी ठीक है हमको पावर रेंजेस 5 किलोवाट से 15 किलोवाट तक एक रेंज है, ओके 30 किलोवाट से 400 किलोवाट तक एक रेंज है। ठीक है, अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल्स में देखेगा तो ओके ट्रक्स इसमें देखेगा तो इंडक्शन मोटर मोस्ट सूटेबल है क्योंकि इसका पावर रेटिंग आप देखेगा तो इट इज मोर देन 150 किलोवाट। ठीक है, सो हम लोग बैटरी का स्पेसिफिकेशन व्हीकल सेगमेंट के हिसाब से देखेगा तो फॉर टू व्हीलर एप्लीकेशन बैटरी कैपेसिटी लगभग 1.2 टू 3.3 किलोवाट आवर हम लोग यूज कर सकते हैं। बैटरी वोल्टेज लगभग 48 टू 72 वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर थ्री व्हीलर एप्लीकेशन स्पेशली पैसेंजर एंड गुड्स है तो हमारा बैटरी कैपेसिटी 3.6 टू 8 किलोवाट आवर एंड बैटरी वोल्टेज 48 टू 60 वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स ओके फर्स्ट जनरेशन तो 21 किलोवाट आवर बैटरी ऑपरेटिंग वोल्टेज 72 वोल्ट है। अगर सेकेंड जन इलेक्ट्रिक कार्स है तो 30 टू 80 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी 350 टू 500 वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। सो हम लोग वो इलेक्ट्रिकल हर एक मशीन का ओके कंटिन्यूस एंड ट्रांजिशन ऑपरेशन हम लोग मॉनिटर करेगा तो हमको स्पीड एंड टॉर्क का सबसे ड्यूरिंग जनरेशन ऐसे ही वेवफॉर्म मिलेगा एंड ड्यूरिंग मोटरिंग ऑपरेशन ऐसे ही वेवफॉर्म मिलेगा। ठीक है, सो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर्स में थर्मल मैनेजमेंट के लिए तीन अप्रोचेस हम लोग कर सकते हैं। एक तो मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थिंग इज
पैसिव थर्मल डिजाइन, तीसरा एक्टिव कन्वेक्टिव कूलिंग मेथड। ओके सो हमारा मोशन सेंसर हेल्प करने के लिए हमको एक क्राइटेरिया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इट शुड हैव अ गुड रोबस्टनेस। ओके क्योंकि क्रिटिकल लोकेशंस में वो काम करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर छोटी सी चेंज को भी उसको सेंस करना पड़ेगा, सो मोस्ट सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है। ओके एंड बहुत स्पीड में भी वो सेंस करना पड़ेगा, इसका लिए एक इंटीग्रेटेड डिजिटल आउटपुट इससे क्रिएट होना पड़ेगा। ओके नॉइस तो कम इनपुट में लो नॉइस हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर वाइब्रेशन टॉलरेंस है ना वो रिजिस्ट करना पड़ेगा मोशन सेंसर। ओके नॉन लीनियर मैग्नेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके सो हम लोग बहुत सारे सेंसिंग टेक्निक्स है, बहुत सारे सेंसर टाइप्स भी है। अगर मान लो हम लोग कैटेगरीज सेंसिंग मोशन सेंसर के कैटेगरीज में जाएंगे तो वी हैव इंडक्टिव सेंसर, रिसॉल्वर सेंसर, ऑप्टिकल एनकोडर सेंसर, ओके रेसिस्टिव पोटेंशियोमीटर सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर, मैग्नेटिक इनकोडर आईसी सेंसर, ये इतना टाइप्स है हमको। हमारा इसका साइज का वेट, साइज एंड वेट, सिस्टम कॉस्ट, पावर, एक्यूरेसी, आरपीएम रेट, ओके डर्ट एंड डस्ट ससेप्टिबिलिटी, स्ट्रे फील्ड इम्यूनिटी एंड फंक्शनल सेफ्टी रिडंडेंसी ऑपरेशन, ये सब का हमको देख सकते हैं। अगर मान लो साइज एंड वेट में आप देखेगा तो एकदम हाई हमारा रिसॉल्वर है, ओके बाकी तो लो है, ऑप्टिकल इनकोडर थोड़ा मीडियम है, ठीक है। सिस्टम कॉस्ट के बारे में आप देखेगा तो ये रिसॉल्वर एंड ऑप्टिकल इनकोडर थोड़ा हाई कॉस्ट है, ठीक है। इंडक्टिव तो मीडियम है, बाकी सब लो है, मैग्नेटिक इनकोडर भी मीडियम। पावर के हिसाब से देखेगा तो रिसॉल्वर को हाई पावर चाहिए, बाकी इंडक्टिव को तो लो, ठीक है। ऑप्टिकल इनकोडर को तो मीडियम, बाकी सबको लो चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी में देखेगा तो दिस इंडक्टिव रिसॉल्वर एंड ऑप्टिकल इनकोडर हैज अ वेरी हाई एक्यूरेसी, ओके आरपीएम रेट्स भी इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर रेसिस्टिव पोटेंशियोमीटर देखेंगे तो वो एकदम लो है, हॉल इफेक्ट थोड़ा मीडियम है, मैग्नेटिक एनकोडर्स में थोड़ा हाई है, ठीक है। डर्ट एंड डस्ट सस्टेबिलिटी के बारे में आप देखेंगे तो सिर्फ ये ऑप्टिकल एनकोडर है ना, ओके उसमें थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब में कुछ नहीं, ठीक है। फंक्शनल सेफ्टी एंड रिडंडेंसी ऑप्शन, ठीक है, इंडक्टिव में पॉसिबल है, रेसिस्टिव पोटेंशियोमीटर में भी पॉसिबल है, एंड मैग्नेटिक एनकोडर आईसी में भी पॉसिबल है, ठीक है। बट ये रिसॉल्वर एंड ऑप्टिकल एनकोडर में रिडंडेंसी ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं, ठीक है। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन का दबा दो, चैनल पसंद वीडियो पसंद है तो शेयर करवा दो, ठीक है। आपको हमारे साथ प्रोजेक्ट करके इससे ज्यादा सीखने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग वर्कशॉप्स, ओके जॉइंट वेंचर प्रोग्राम्स, स्पेशली ट्रेनिंग्स में, ओके नॉलेज इंटरचेंजिंग, ओके नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम में भी हम लोग बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग अगर आपको पीएलसी का प्रोग्रामिंग सीखने का ओके उसमें ट्रेनिंग चाहिए विद सर्टिफिकेशन है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग सीमेंस, एलन रोडी एंड डेल्टा पीएलसी में ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप जीसीसी कंडीशन में काम करने के लिए प्लान है, स्पेशली कतर, ओमान, सऊदी में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए प्लान है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। ईवी बोर्ड बिल्कुल अवेलेबल है, वही जगह में 16 DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आपको एग्रीकल्चर फार्म से उसमें क्रॉप्स को आप एनिमल से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग यूज कर सकते हैं। हम लोग सोलर फेंसिंग ऐसा किट दे सकते हैं, और सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज, हम लोग डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं फॉर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड स्पेशली द इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, उसका बेसिक्स को आपको समझना पड़ेगा, उसमें आपको कोर्स करने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका बेसिक्स के बारे में सीखने के लिए हम लोग एक कोर्स डिजाइन करके रखा है, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी कैन टीच यू, ओके अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। धन्यवाद।